श्रावण मास के बाद भाद्रपद मास में एकादशी के दिन रात्रि 9:30 बजे गंगा मैया मंदिर में प्रवेश की और हनुमान जी महाराज को जल शयन कराएं। महाकुंभ के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। महाकुंभ निर्विघ्न संपन्न हो, माँ गंगा और श्री बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे। ऐसा है कि जब हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं तो देश ही नहीं विदेश और विश्व में खुशहाली रहती है, किसी भी प्रकार की दैविक आपदा नहीं आती है। जहां एक ओर बाढ़ को लेकर लोग परेशान होते हैं, लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ के बाद लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस समय प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में मौजूद है। पहले तो आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। ये कल के बाद से लगातार ये जल स्तर जो है लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर जो है ये निकास द्वार है, प्रवेश द्वार पर पानी भर जाने के कारण प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है और निकास द्वार भी अभी फिलहाल बंद है। और देखिए कि जलस्तर कितना ज्यादा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है और खास दिन होने के कारण यहाँ पर स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं। इस बार दूसरी बार लेटे हनुमान मंदिर में माँ गंगा का प्रवेश हुआ है और दूसरी बार हनुमान जी को स्नान माँ गंगा कराती हुई दिख रही है। और तस्वीर देखिए कि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिए दृष्टि से यहाँ से सामान जो है वो सारे हटा लिए गए हैं और जो यहाँ पर मंदिर में लोग मौजूद होते हैं वो भी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। आप तस्वीर देखिए कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अगर आम दिनों में इस मंदिर में आए तो यहाँ पर आपको जनता ही दिखती है, यहाँ पर दर्शन करने वाले लोग जो है उनका हुजूम यहाँ पर रहता है, लेकिन आज केवल और केवल पानी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुजारी इनसे बात करेंगे। जी जय सियाराम आप सभी को। समस्त हनुमान श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रावण मास के बाद भाद्रपद मास में एकादशी के दिन रात्रि 9:30 बजे गंगा मैया मंदिर में प्रवेश की और हनुमान जी महाराज को जल शयन कराएं और बहुत ही खुशहाली है। और ये आने वाले महाकुंभ के लिए शुभ संकेत भी है कि गंगा मैया हनुमान जी को स्नान करा रही हैं। तो प्रेम से बोली श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय। देखा जाता तो एक ही बार करा दी थी, दो बार करा रही हैं, तो क्या विशेष कोई संयोग? विशेष क्या, श्रावण और भादव में स्नान का महत्व है और श्रावण में तो गंगा जी आकर चली ही गई थी, भाद्रपद में फिर आ गई और ये शुभ संकेत ही है कि हनुमान जी महाराज दूसरी बार स्नान कर रहे हैं। तो 2025 में कुंभ लगना है, उसको लेकर के अगर इस तरह के माँ गंगा दो बार स्नान कराती है तो इसको विशेष अगर माना जाए तो विशेष संयोग माना जाए? ऐसा है कि जब हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं तो देश ही नहीं विदेश और विश्व में खुशहाली रहती है, किसी भी प्रकार की दैविक आपदा नहीं आती है। और महाकुंभ के लिए शुभ संकेत ही है, लेकिन महाकुंभ के देखते हुए जो कार्य चल रहे हैं, जैसे कि मंदिर के कॉरिडोर का कार्य, अन्य घाट भी बन रहे हैं, उसमें भी थोड़ा ढिलाई होगी। बाढ़ के बाद से थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी? जी थोड़ा दिक्कत आएगी, गंगा जी का पानी हटेगा, सूखेगा मिट्टी, तब कार्य शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर रहते हैं उस दिन और आज के दिन में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? बाकी शहरों में प्रदेशों में बाढ़ आने पर दुखारी होती है, पर प्रयाग में इंतजार रहता है कि गंगा मैया आएंगी और हनुमान जी महाराज को जल शयन कराएंगी। ये एक त्यौहार के रूप में समस्त प्रयागवासी लेते हैं। गंगा मैया का वर्षों से इंतजार करते हैं कि हनुमान जी को स्नान कराएं। आज वह पल हम लोगों के बीच में है कि श्री बड़े हनुमान जी महाराज जल शयन कर रहे हैं। माना जाए कि 2025 कुंभ लगना है तो ये शुभ संकेत है? ये बहुत ही शुभ संकेत है, महाकुंभ को देखते हुए, महाकुंभ के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। महाकुंभ निर्विघ्न संपन्न हो, माँ गंगा और श्री बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे। हर साल ऐसा होता है गंगा माँ स्नान कराती है? जी जी, प्रतिवर्ष गंगा जी आती हैं हनुमान जी के स्नान कराने और द्वितीय वर्ष जो दूसरी बार आई है इस वर्ष में, ये बड़ा ही शुभ संकेत है क्योंकि इसके पहले 16 में आई थी और अब आई है 24 में। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर बाढ़ आने के बाद लोग परेशान होते हैं, आपने प्रसाद चढ़ाया है? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। विशेष आज खास दिन आए? बिल्कुल, शनिवार है, खास दिन है। आने पे तो लोग परेशान होते हैं, आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है? अब खुशी का माहौल है, दोबारा हनुमान जी को नहलाने आए गंगा भैया। विशेष मतलब दोबारा जो विशेष संयोग बने? बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है कुंभ से पहले ये विशेष संकेत? बिल्कुल महा शुभ संकेत है। यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं? नहीं नहीं, जब बुलाते हैं तभी आते हैं। आज आपको बुलाया गया? देखिए उत्साहित जो है वो श्रद्धालु पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं किस तरीके से श्रद्धालु जो है ये लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि मेन द्वार जो है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर लोग नाव से आ रहे हैं, नाव से उतर कर यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग जो है उसको लगाई गई है, क्योंकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो प्रशासन भी नहीं करना चाहता है और मंदिर प्रशासन भी किसी तरीके की ढिलाई जो है वो नहीं बरतना चाहता है, क्योंकि जलस्तर जिस तरीके से अचानक बढ़ा उसके बाद से यहाँ पर मंदिरों से सामान को हटाया गया। लेकिन साफ तौर पर पुजारी का यही कहना है कि ये 2025 में लगने वाले कुंभ को लेकर के ये विशेष जो संयोग है वो देखने को मिल रहा है। विशेष संयोग के तहत
यहाँ पर शुभ संकेत जो है वो कुंभ को लेकर के शुभ संकेत जो है वो ये दोबारा जो माँ गंगा ने हनुमान जी को स्नान कराया है तो ये दोबारा संयोग जो है वो शुभ संकेत जाहिर कर रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पर मंदिर के पुजारी ने साफ तौर पे ये भी एक बात जाहिर की कि कहीं ना कहीं अब जल स्तर बढ़ने के बाद एक चिंता का विषय ये है कि कुंभ की तैयारी जो है वो तेजी से चल रही थी, कहीं ना कहीं अब कुंभ की तैयारी में भी थोड़ा सी लेट लपेटी होगी और बाधा जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात करें तो जहां एक और बाढ़ आने के बाद लोग परेशान नजर आते हैं, इधर उधर भागते हैं, वहां पर बाढ़ आने के बाद मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और हर कोई इस शुभ मुहूर्त को दर्शन कर अपने को धन्य बनाना चाहता है। रोशन के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।